All of my dear students of class 8th, all of you are looking here. Lesson 4, a visit to Cambridge in the book of Rainbow of English. यहाँ पर आप जो है इंग्लिश रेनबो का लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का एक दौरा नामक पार्ट देख रहे हैं विद्यार्थियों। इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन समझ पर आधारित प्रश्न यह देख समझ रहे हैं, जिसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि द फॉलोइंग निम्नलिखित क्वेश्चन प्रश्नों का आंसर उत्तर दीजिए। ये फर्स्ट सेक्शन में ये ए है क्वेश्चन की नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग बाई द्वारा लिखा गया तो बुक किताब का नेम नाम लिखिए। स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखे गए किताब का नाम लिखिए, तो आंसर है कुल 11 किताबें उन्होंने लिखा था। जिसमें देखिए बुक की एक किताब का नाम यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर आंसर हो गया द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी प्रत्येक चीज का सिद्धांत नामक ये किताब उन्होंने लिखा था। अब क्वेश्चन फर्स्ट का ये भी है, What makes the differentially abled people stronger according to the author? author के अनुसार, लेखक के अनुसार, भिन्न रूप से सक्षम लोगों को अधिक मजबूत क्या बना देता है, क्या बनाता है? तो आंसर है will power of having ability with hard work, कठिन परिश्रम के साथ योग्यता रखने की इच्छा शक्ति। makes बनाती है, बनाती है द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, भिन्न रूप से सक्षम लोगों को स्ट्रांगर अधिक मजबूत, एकाधिक मुद्दा आता लेखक के अनुसार। अब इसके बाद है सी व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड, असक्षमों के लिए वैज्ञानिक का क्या संदेश है? तो आंसर है द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड, असक्षम लोगों के लिए वैज्ञानिक का संदेश इज है दैट कि द डिसेबल्ड शुड नेवर लूज करेज विद हार्ड वर्क एंड विल पावर, कि असक्षम लोगों को कठिन परिश्रम और इच्छा शक्ति के साथ कभी नहीं साहस को खोना चाहिए टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए। आगे है फर्स्ट का डी, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, लेखक अपना बड़ा जो है कि एहसान जो है व्यक्त करता है स्टीफन हॉकिंग के लिए, स्टीफन हॉकिंग के लिए या के प्रति व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड था, यह ग्रेटिट्यूड या उपकार क्या था के लिए, क्या के लिए यानी किसके लिए है, उपकार किसके लिए है, एहसान किसके लिए है, किस चीज के लिए एहसान है, जो एहसान जो है अपना बड़ा एहसान स्टीफन हॉकिंग के लिए जो लेखक एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, तो लेखक अपना बड़ा उपकार अभिव्यक्त करता है स्टीफन हॉकिंग के लिए, तो किस चीज के लिए उपकार है? तो आंसर है मेरे अपनों, द ग्रेटिट्यूड इज, द ग्रेटिट्यूड इज, द ग्रेटिट्यूड इज फॉर स्टीफन हॉकिंग एनकरेजमेंट टू गेट सक्सेस, यह उपकार स्टीफन हॉकिंग के सफलता पाने के प्रोत्साहन के लिए है। फॉर द राइटर लेखक के लिए, हु सक्सेस जो सफल हो जाता है इन हिज लाइफ अपने जीवन में, सो ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड, इसलिए वह अपना उपकार व्यक्त करता है टू स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेष धन्यवाद।